कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग केंद्रीय जेल भोपाल पहुंचे। इस अवसर पर कृष्ण भगवान के जन्मदिन पर नाट्य रूपांतरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नरोत्तम मिश्रा ने जेल में कैंटीन खुलवाने के साथ कई फैसले लिए। केंद्रीय जेल में कैदियों के बच्चों ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मंत्री विश्वास सारंग का स्वागत किया। इस अवसर पर जेल में कैदियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण लीला का मंचन हुआ, जिसमें कृष्ण के जेल में जन्म के दृश्यों को दिखाया गया। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं राजनीतिक कारण के चलते जेल में रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है। जो जेल में आ जाता है और जिसको सजा हो जाती है, उसमें काफी छटपटाहट रहती है, अज्ञात आशंकाओं में झूलता रहता है, वो किसी भी तरह बाहर जाना चाहता है, अनजाने में भूल हो जाती है। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने घोषणा की है कि प्रदेश भर के कैदियों की 30 दिन की सजा माफ की जाएगी, 5,000 कैदियों को पेरोल दी जाएगी, 10,000 कैदियों की जमानत के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। इसके साथ ही जेल में बंद कैंटीन को खुलवाया जाएगा, उपवास रखने की सामग्री रखी जाएगी, जिनका उपवास नहीं है उनके लिए पकवान की भी व्यवस्था की जाएगी। पूरे प्रदेश के अंदर 30 दिन की सजा माफी की, कैंटीन और कैंटीन आज से चालू हो जाएगी चिन्हित सामानों के साथ। उपवास की सामग्री और पकवान, अगर उपवास नहीं है तो पकवान, और जिसका उपवास है उसे फलाहार की सामग्री आज मिलेगी। जमानत के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया है न्यायालय के लिए। तो कौन से कैदी होंगे वो जिनके लिए प्रस्ताव? सजा याफ्ता कैदी जो गंभीर अपराध के नहीं है, जिसमें बलात्कार, भ्रष्टाचार, इस तरह के। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।